Question number 6. Kera Business discovered that cash sale received from Abdul, a credit customer, have been recorded as a cash sale. क्या कह रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम अब्दुल अ क्रेडिट कस्टमर. एक डेटर था अब्दुल, एक कस्टमर था जिसने हमसे उधार पे माल खरीदा था. वो हमें पैसे दे रहा है तो हमने उसको ट्रीट कर लिया एज अ कैश सेल. अब देखो, जब भी थोड़ा सा टेक्निकल एरर लगे ना तो आप OEC की टेक्निक यूज़ कर लें ताकि गलती के चांसेस ना हो. हुआ ये है कि अब्दुल ने हमें पैसे दिए, सही, कैश रिसीव फ्रॉम अब्दुल. हमें एंट्री क्या बनानी चाहिए थी? कैश डेबिट और अब्दुल क्रेडिट. जब कस्टमर से पैसे आते हैं, डेटर से ये एंट्री बननी चाहिए ना, ये एंट्री बननी चाहिए कैश डेबिट अब्दुल का. हमने उसको ट्रीट कर लिया एज अ कैश सेल. कैश सेल की क्या एंट्री बनाते? हमने एरर कर दिया, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट. इसका मतलब ये नई सेल नहीं हुई थी, ये अब्दुल से पैसे आए थे. आप यार देखो, कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने भी कैश को तो डेबिट किया है ना, कैश को तो डेबिट किया. अब्दुल को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने गलती से क्या कर दिया भाई? हमने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया. अब कैसे सही करें भाई? सेल्स को जिसको गलती से क्रेडिट किया उसको क्या कर दिया? डेबिट. सही है, सेल्स को गलती से डेबिट कर दिया और अब्दुल को क्या कर दिया? क्रेडिट. अब्दुल भाई को क्रेडिट कर दें और जो सेल्स है उसको डेबिट कर दें. सेल्स को कम कर दें, सेल्स डेबिट अब्दुल क्रेडिट. तो आंसर बना डी.